गाइस, मैं हूं अमित। दोस्तों, हम लोग हमारे ट्री हाउस की हालत देखने के लिए आए थे कि आखिरकार इतने सालों के बाद में जो ट्री हाउस है उसकी क्या हालत है। लेकिन हमको ट्री हाउस वाले ट्री पर एक ऐसी चीज दिखी जिसने ट्री हाउस से हमारा इंटरेस्ट हटा के उसके ऊपर ला दिया, जो कि गाइस एक मधुमक्खी का बहुत बड़ा छत्ता। और जो जानकारी हमको मिली वो सुनकर देखकर हमारा दिमाग गाइस हिल चुका है। मधुमक्खियों की जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग है, इनका एक अलग ही साम्राज्य है और उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार, बहुत ज्यादा डिफरेंट, जो किसी को पता भी नहीं होंगी वो सारी चीजें इनके साम्राज्य के अंदर होती हैं। तो आज हम आपको उसी जर्नी में लेके चलेंगे और हम खुद भी उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करेंगे। इसीलिए हमको चाहिए बहुत सारी मधुमक्खियां और उनका साम्राज्य, तो बहुत सारा मजा आने वाला है। सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा देना। फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, जो मधुमक्खी का छत्ता है वो पेड़ में ट्री हाउस से लगभग दुगनी ऊंचाई पर है। ये देखो, थोड़ा ऊपर आए हम लोग और ये देखो गाइस, ये तो है खाली वाला छत्ता और ये जो है ये है मधुमक्खियों का छत्ता, जिसमें आप लोग देख सकते हो कितनी सारी जो मधुमक्खियां हैं वो हैं भाई। दोस्तों, मधुमक्खियों का शहर तो यहाँ पर भी है लेकिन इसको दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर हैं और ये हमारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसी कॉलोनी में चलते हैं जहाँ पर हमको इजीली मधुमक्खियाँ जो हैं इसके कंपैरिजन में मिल सके, लेकिन फिर भी रिस्की है ये चीज़। और आप लोग प्लीज़ ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना क्योंकि अगर बहुत सारी मधुमक्खी आपको काट लें तो गाइज इंसान की मौत भी हो सकती है, ये रियल बात है। तो प्लीज ट्राई मत करना, कहीं आप जाके देखो कि हाँ मैं भी देखूंगा साम्राज्य कहाँ है, मधुमक्खियों साम्राज्य और मधुमक्खियों ने जो है आपका साम्राज्य उजाड़ दिया, ऐसा हो जाए तो प्लीज ट्राई मत करना भाई। तो गाइज हम लोग अभी जा रहे हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, मधुमक्खियों के फार्म जहाँ पर होते हैं, और वहां पर हमको मधुमक्खियों की कॉलोनीज होपफुली देखने को मिलेंगी, मजा आएगा भाई। ओए मधुमक्खियां खा गई तो तुमको? मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैं तो नहीं जा रहा, मेरे को नहीं चाहिए शायद। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक बी फार्म पे और यहाँ पे बहुत सारे मधुमक्खियों के बॉक्सेस रखे हुए हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। हमने सोचा कि बात कर लेंगे जो भी बी कीपर यहाँ पर होंगे लेकिन कोई है ही नहीं, तो हम लोग वेट करते हैं कि कोई हमें मिले और ये मधुमक्खियाँ दिखा दे। तो गाइस फाइनली हम लोग भाइयों को लेकर के आ चुके हैं ढूंढ ढांड के। भाई आपका गुड नेम बताइए प्लीज। रंजीत कुमार। रंजीत कुमार। और आपका भाई? चंदू कुमार। चंदू। रंजीत भाई और चंदू भाई हैं जो कि केयर टेकर हैं इस फार्म के। भाई साहब, आज हमें आप मक्खियाँ मधुमक्खियाँ ये सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी थोड़ा सा, है ना? क्योंकि हमको इनके बारे में पता नहीं है और हम जो एक इंटरेस्टिंग लाइफ है जो हमने इंटरनेट पे देखी मधुमक्खियों की, उनको रियल लाइफ में देखना चाहते हैं, तो आप हमारी थोड़ी सी हेल्प करेंगे? चले अंदर अपन। चलो 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 गाइस, टोपी पहननी पड़ेगी ये वाली, देखो कुछ इस तरीके कैमोफ्लेज्ड है, कैसे पहनना पड़ेगा इसको। ये तो यार वो दुबई वाली सी ड्रेस की जैसी है कुछ। अरे आ गई। और गाइज हमारे साथ में यहाँ पर चंदन जी भी हैं जो कि इस फार्म के ओनर हैं और मधुमक्खियों का पालन करते हैं। सर, आपको कैसा लगता है ये करते हुए? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया लगता है। एक बार आप हमें थोड़ा सा दिखाएंगे कि कैसे ये चीजें काम करती हैं सारी? भाई अब हम लोग जा रहे हैं पहली बार एक मधुमक्खी फार्म के अंदर, बहुत सारी मक्खियां उड़ रही हैं चारों तरफ में। गाइज मुझे लग रहा है इसके अंदर आके डर, क्योंकि इतनी सारी मधुमक्खियां उड़ रही हैं फिलहाल, दिख पा रही है कैमरा में? भाई कानों में कंटिन्यू आवाज आ रही है पी पी पी, जो इतनी सारी मधुमक्खियां उड़ रही हैं भाई, हजारों जो हैं वो तो हवा में उड़ रही होंगी अभी। ये देखो, अब मैं थोड़ा सा खुल चुका हूँ अपने हाथ, रिस्क लेके बाहर निकाल रहा हूँ। देखो मधुमक्खियां जो हैं वो इसके अंदर यहाँ से जा रही हैं। अरे ऐ क्या होता है उंगली करने से? अरे बस बता, उंगली करने से काट लेती है क्या, कुछ ऐसा है क्या? हाथ हिलाओगे तो। तो गाइस ये है मधुमक्खी का बॉक्स, अब इसको खोलेंगे। भाई साहब प्लीज खोलिए। सर कितने बॉक्सेस हैं अपने पास में यहाँ पे? 500 बॉक्सेस है। एक बार प्लीज खोलेंगे। ये क्या है? गाइस यहाँ पर जो मधुमक्खियां हैं वो पैक्ड हैं इस बॉक्स के अंदर और मैं तेज हाथ नहीं हिला रहा हूँ बिल्कुल भी। देखो भाई फुल है और मधुमक्खियां कैसे इसके अंदर भाग रही हैं, और डर तो लगता है लेकिन सेफ्टी कम से कम मुंह पे तो नहीं काटेगी। इनको बाहर निकाल सकते हैं अपन? भाई ये जो एक्सपीरियंस है ना बहुत ही अलग है। तो भाई अब मधुमक्खियां बाहर निकाल के दिखाएंगे हमको, और इसके अंदर पता है गाइस रानी मधुमक्खी भी होती है। ओ भाई ये देखो, भाई यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर 10 ऐसे छत्ते हैं, तो क्या बोलते हैं?
फ्रेम इसको, अच्छा 10 फ्रेम्स है और एक फ्रेम के मतलब एक फ्रेम में बहुत सारी मधुमक्खियां, यहाँ पर इनका छत्ता है। अच्छा इसके अंदर एक रानी मधुमक्खी भी होती है ना, वो कहाँ पे मिलेगी? इस पूरे डब्बे के अंदर सिर्फ एक रानी होती है जो कि इस पूरे का शासन चलाती है, और इनकी जो शासन व्यवस्था है ना वो भी बहुत तगड़ी है, वो अभी आपको बताएंगे। उससे पहले रानी मधुमक्खी देखते हैं भाई सब, प्लीज एक बार रानी देखेंगे अपन। अच्छा इनके साइज से बड़ी होती है रानी, कलर भी कुछ अलग होता है, कलर भी कुछ थोड़ा सा चेंज होता है। भाई ये है रानी मधुमक्खी, ये वाली। भाई अभी मैं अपने फोन से बहुत ज्यादा रिस्क लेके कैप्चर कर रहा हूँ रानी मधुमक्खी को, अगर ये फोन मेरे हाथ से छूटा तो ये मधुमक्खियाँ मुझे काट लेंगी। देखो ये सेंटर में जो है ये क्वीन है भाई, और इसका कलर भी अलग है, आप लोग देख सकते हो पूरे छत्ते में, और ये बीच में ही घूमती रहती है गाइस कहीं ना कहीं। मैंने अपने हाथ से जो है लिया है इसको, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा लोग तो इसको जान करके कटवाते हैं हाथों के, कटवाते हैं क्यों? मुझे क्या पता, मुझसे पूछ जा रही है बार बार। इसमें वो लोग मधुमक्खियाँ कटवाते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि कोई कई बीमारी से हो। अच्छा अच्छा मधुमक्खी से कटवाने से बीमारियां भी दूर होती हैं। भाई अब जो खतरा है वो मैं खुद मोल लेने जा रहा हूँ। ये मैंने पकड़ा, और गाइस ये मधुमक्खियाँ आ गई है मेरे हाथ में। भाई कैन यू बिलीव इट कि मेरे हाथ में अभी लगभग 500-700 से लेकर 1000 भी हो सकती हैं, इतनी मधुमक्खियां हैं। दोस्तों मधुमक्खी के किसी भी छत्ते में चार तरीके की मधुमक्खियां होती हैं जहां से शासन चलता है। ये रही गाइस रानी, और ये जो है सारे अंडे देती है। इसमें जितनी मक्खियां पैदा होंगी वो सारी की सारी सिर्फ अकेली रानी पैदा करेगी। रानी का काम सिर्फ जो है अंडे देना और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना है। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है वर्कर बीज की। वर्कर यानी कि कामगार, जो काम करती हैं। काम करने का मतलब ये है कि इस छत्ते से निकलती हैं, दूर उड़ती हैं, इन दूर दराज के खेतों में जाकर के वहां से शहद लेकर के आती हैं, एक एक फूलों पर बैठ के उनमें से शहद चूसती है, वापस लाके इसमें स्टोर करती है, मेहनत करती है, इसलिए वो हो गई वर्कर। तीसरे तरीके की जो मक्खियां होती हैं गाइस इसके अंदर, वो होती हैं ड्रोन्स। ड्रोन जो होते हैं वो बेसिकली मेल होते हैं, जो मेल बीज होते हैं यानी कि नर मधुमक्खियां, और उनका काम जो होता है वो रानी के साथ में मेटिंग करके, रानी के साथ में क्रॉस करके जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाना होता है। रानी जो है वो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही क्रॉस करती है ना, सिर्फ एक बार, उसके बाद पूरे जिंदगी अंडे देती रहती है। और चौथे तरीके की जो मक्खियाँ होती हैं वो होती हैं इसके अंदर सबसे खतरनाक, जो कि हैं सोल्जर्स यानी कि सैनिक मधुमक्खियाँ भाई, जो कि पूरे छत्ते की रक्षा करती है। इसमें सोल्जर्स कैसे दिखें अपने को? अच्छा इसमें मिक्स हैं। ये है ड्रोन जो एकदम नीचे है, और इसका साइज बाकियों से बड़ा है, और ये मेल हैं। जो मेल्स होते हैं वो सिर्फ यही होते हैं। यहाँ पर भाई एक ब्रिज बन गया अंदर, देखो दो छतों के बीच में जो गैप था मधुमक्खियों ने एक पुल सा बना लिया है। तो भाई अब जो है इसको भी डाल देते हैं अंदर, और उम्मीद करते हैं ये ना छिड़े, तो रगड़ रही हैं यार एक दूसरे से। ये मैंने रख दिया भाई इसको भी अंदर। भाई बबलू जो है वो येलो कलर की टी शर्ट, ये शर्ट पहन के आ गया, मतलब ये स्वेटर जो भी है। पीछे घूम, पीछे घूम, और देखो इसके ऊपर कितनी सारी मक्खियां जो है बैठी हुई हैं। गाइस अब हम चल रहे हैं चंदन जी के दूसरे फार्म पे, जहाँ पे और जो है इनके बॉक्सेस हैं। वहाँ पर मधुमक्खियों से शहद कैसे निकाला जाता है वो भी आपको दिखाएंगे, उसकी प्रोसेस क्या होती है, शहद कैसा दिखता है, और शहद को टेस्ट भी करेंगे, सबसे मजेदार चीज। चलो भाई अभी हम लोग ऐसे के ऐसे आ गए हैं आप लोग देख सकते हो, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, और भाई पूरा का पूरा कवर्ड है हम लोग सारे लोग। ये देखो गाड़ी ऐसे चला रहा है मोहित, ये लोग पीछे कैसे बैठे हुए हैं, गाड़ी में हेलमेट जर रही है जैसे इनको जो पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हैं, सबको ऐसे बैठे हुए हैं सारे। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अभी दूसरे फार्म पे। भाई यहाँ पर भी वैसे ही बॉक्सेस रखे हुए हैं, और इनके अंदर भी वही मिलने वाला है। तो अब मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट हो चुका हूँ, आपको थोड़ा सा और दिखाते हैं। ओ भाई इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है भाई, अंदर घुस गई भाई। ओ भाई भाई काट ली काट ली काट ली काट ली काट ली काट ली काट ली, बहुत सारी काट ली, बहुत सारी काट ली मेरे हाथ पे। भाई मेरे हाथ पे 3-4 काट चुकी है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, और शिट इनको कैसे हटाऊं। अरे भाई बहुत तेज दर्द हो रहा है यार, गले पे काट रही है बहुत सारी। अरे अंदर है भाई, कैसे निकालूं मैं, दूर जाऊं इससे यार पहले। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, गाइस मैन तो मजे मजे में टोपी और उतार के मक्खियां चिढ़ गई, और वो भाई अमित भाई है ना, एक्सपर्ट बन रहे थे अपने आप में,
कि अब मैं करूंगा सब ये मक्खियां कुछ नहीं कर रही पालतू है। भाई मेरे गले पे तो नहीं है ना? नहीं नहीं, तीन चार काटी है, दर्द हो रहा है बहुत तेज यार। अरे खोल दो यार तुम्हारी, अरे बहुत सारी गई रहे यार। गाइस हमारे जो एक्सपर्ट थे उनको मक्खियां खा चुकी है बहुत सारी और अभी गाड़ी में आराम कर रही है। देखो अरे यार ये रही भाई ये रही। ओ भाई भाई निकालो उसको बाहर। अरे भगाओ इनको भगाओ। चला गया अपनी है। भाई मैं तो नहीं जा रहा, मेरे को नहीं चाहिए शायद। बताऊं कितनी काई है मेरे को चार पांच तो हाथ पे काटी है, तीन चार यहाँ 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 और गले पे यहाँ। मेरी पूरी दाढ़ी में खा गई, मेरी दाढ़ी में यहाँ पे जो है मधुमक्खियाँ काट ली, बहुत तेज दर्द हो रहा है पूरे फेस पे यहाँ पे, और पता यहाँ पे भी काटी है शायद एक यहाँ पे भी। काम भी नहीं आएगा भाई, मैं बोलते हैं ना कभी तो काम भी नहीं आएगा। अच्छा ये बुखार भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा जिंदगी में, नहीं कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा इसको, कभी बुखार तो तबीयत क्या मुझे जुकाम ही नहीं, कभी बुखार ही नहीं होगा, बुखार बुखार कुछ नहीं लगेगा। अच्छा कुछ नहीं लगेगा। अच्छा सही में कह रहे हो आप, मुझे लगा आप मजे ले रहे हो मेरे। जिनको मधुमक्खी काटती है उनको कभी बुखार उखार नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं, जुकाम भी नहीं लगता है। भाई मधुमक्खियों ने मेरे पे ऐसे हमला कर दिया, मैंने नहीं सोचा था। और उसके एक ने जैसे काटा ना, उसके बाद सारी आ गई काटने के लिए। देखो हाथ पे यहाँ काटा है, ये रहा अभी सूजेगा शायद, ये यहाँ काटा है, यहाँ काटा है, यहाँ काटा है, चार ने यहाँ काटा है, एक दो तीन चार, और दाढ़ी में काटा है एक दो तीन चार और एक यहाँ कहीं पांच। जिन मधुमक्खियों ने मुझे काटा वो मर जाता है। अच्छा अगर नौ ने मुझे काटा तो नौ मधुमक्खियाँ मर गई? वो मर गई या मर जाएंगी? वो मर गई। अरे यार मुझे उन नौ मधुमक्खियों के लिए बुरा लग रहा है। जो मधुमक्खी होती है वो एक ही बार काट सकती है, जिसने एक बार काटा, अगर आपको कोई मधुमक्खी काटती है तो उसके बाद में वो मधुमक्खी मर जाने वाली है थोड़ी बहुत देर बाद में, क्योंकि जो वो डंक मारती है ना उसके साथ उसका पूरा एरिया, मतलब उसका पूरा एब्डोमिनल एरिया ही साथ आ जाता है। ना भाई साहब उठे सीख मैं ना जाऊँ यार, अब नहीं होगी भाई। आप लोगों के लिए इतना दर्द सहन करते हैं वो कुछ नया दिखाने के लिए यार। अब इसके इसी जहर वाले अंगूठे से, सूजन वाले से ही कह रहा हूँ कि वीडियो के लिए लाइक कर देना भाई। भाई मेरा मन तो नहीं कर रहा, लेकिन छत्ता और शहद आपको हमने प्रॉमिस किया था दिखाना पड़ेगा, तो भाई दिखाना पड़ेगा। टच करके और देखेंगे। चलो भाई मैं मधुमक्खी को टच करना चाहता हूँ। भाई मोहित अभी बहादुर बन रहा है और ऐसे कह रहा है मैं मधुमक्खियों को टच करूंगा, देखते हैं ये क्या करता है। कर वो मस्त, अरे सही है। काटी नहीं काटी, ग्लोव हटा के एक बार देख लो, दस्ताना हटा लो फिर उसपे उंगली लगाओ। अच्छा हां देखे मैं कर लूं, अब तो मेरे को काट ही लिया वो, और क्या ये। ओ भाई टच कर ली मैंने, मजा आता है ना मधुमक्खी को टच कर लिया मैंने अपने नंगे हाथों से। इसने तो ग्लव्स पहन रखे हैं, मैंने तो ऐसे ही छू लिया। अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ भाई, एक मधुमक्खी शहद इकट्ठा करने के लिए अपने छत्ते से 3 किलोमीटर दूर तक जाती है। पता है 3 किलोमीटर दूर तक जा सकती है, एक एक फूल पे बैठ बैठ के शहद इकट्ठा करेगी फिर वापस लाएगी। और पता है जो क्वीन होती है ना, जो रानी होती है, उसको ऐसे ही रानी नहीं बोलते, रानी डिसाइड करती है कि क्या होगा, रानी का राज चलता है। रानी ये डिसाइड करती है कि कितने अंडे देने हैं, कितने बच्चे पैदा करने हैं, मतलब समझो रानी के कहने से सारी चीज़ें चलती है, रानी के आदेश पे जो है कुल मिला करके इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी, ये सारी जिम्मेदारी उसकी होती है, सारा निर्णय लेना उसका काम होता है, और इसीलिए उसका साम्राज्य जो है वो चलता है इसके अंदर। भाई कुत्ते को काट ली भाई, भाई वो कुत्ता हमारे साथ घूम रहा था और उसको काट ली पक्का। दोस्तों आपको एक और मज़ेदार चीज़ और बताता हूँ इन बॉक्सेस के बारे में, इसके अंदर जो बीज है वो सिर्फ अपने बॉक्स में जा सकती हैं, जैसे कि इस बॉक्स की जो बीज है वो इसी के अंदर रहेंगी, वो किसी दूसरे बॉक्स में एंटर नहीं कर सकती हैं। अगर वो मधुमक्खी किसी दूसरे बॉक्स में चली गई तो दूसरे बॉक्स वाली जो मक्खियां उसको तुरंत से मार देंगी, भगा देंगी या मार देंगी। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इस बॉक्स के अंदर ये जाती कैसे हैं, तो भाई उसके लिए एंट्री है, उसके लिए गेट है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये है बॉक्स के अंदर जाने का दरवाजा। अरे ये जो वैक्स है ना, स्मेल भी वैसी आ रही है। हाँ लेकिन ये बहुत महंगा मिलता है गाइस, जो मधुमक्खी के द्वारा बनाया गया जो मोम होता है ना वो बहुत महंगा मिलता है। भाई मेरे हाथ पे पता है अब थोड़ी थोड़ी सूजन बढ़ने लग गई है, ये देखो यहाँ पर काट रहा था यहाँ पे सूजन है, ये वाली उंगली पे काटा था इस पे सूजन है। गाइस अब हम लोग शहद निकालेंगे और भाई साहब इसमें से निकालेंगे वो छत्ता जिसमें शहद है, झाड़ना पड़ेगा तो ये तो छिड़ जाएंगे यार उस टाइम पे, फिर और जुकाम बुखार कभी नहीं होगा, नहीं आएगा कुछ नहीं आएगा।
भाई इसमें जो है शहद है, अब इसको भाई जो है वो झाड़ेंगे, यानी कि मधु ओ ओ भाई ये तो उड़ने लग गई। हिलो मत, हिलो मत। ओ भाई झाड़ दी भाई, ओ तेरी ये काट क्यों नहीं रही आपको? ओ भाई मधुमक्खी, वो झाड़ दिया इन्होंने और मुझे ऐसे काट ली थी, ये पागल हो गई थी। और दोस्तों इन सभी बॉक्सेस का शहद निकालने का दिन एक हफ्ते बाद आएगा। हम अभी आपको सिर्फ डेमो दिखा रहे हैं कि एक छत्ते से शहद कैसे निकलता है। गाइस इनमें जो हनी कॉम है उसके अंदर असली में हनी भरा हुआ है। हनी कॉम डिजाइन होता है ना, ये डिजाइन नहीं है, असली का हनी कॉम है। ये शेल्स है और इनमें ये जो हनी है वो भरा हुआ है भाई। ये देखो कितना मस्त लग रहा है, ये देखो ये हनी है भाई। यहाँ पर हमारे पास में ये है शहद निकालने की मशीन। इसके अंदर जो फ्रेम्स है वो डलती हैं, एक बार में 8 फ्रेम्स डलती हैं। और गाइस ये है शहद वाली फ्रेम, इसको डालते हैं इसके अंदर। ये मैंने डाल दिया भाई, अब इसमें शहद निकलेगा। निकल रहा है। कहाँ? वो निकल रहा, देखो जो शहद है वो बाहर भाग जा रहा है सारा का सारा, और बूंद बूंद करके नीचे जा रहा है। और गाइस ये हो रहा है एक्चुअली में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, क्योंकि ये जोर से घूम रहा है, इसके जो हनी है उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। और भाई इसके अंदर जो है शहद आ चुका है, दिख भी रहा है मेरे को नीचे। बाहर कैसे निकालेंगे इसको? गाइस यहाँ पर आपको शहद तो दिखेगा लेकिन बहुत कम दिखेगा, क्योंकि एक ही फ्रेम हमारे पास में थी उसमें भी शहद कम था। कौन सी वाली थी? ये देखो गाइस ये गिर रहा भाई बूंद बूंद करके, अभी भी इसमें यानी कि बचा हुआ, ये गिर रहा नीचे। अब ये जो है गाइस खाली हो चुका है और इसके अंदर जो है शहद नहीं बचा है, जो पहले भरा हुआ था वो खाली हो गया है। अब जो सारा शहद है वो इसमें से इकट्ठा हो जाएगा। गाइस इसमें थोड़ा सा ही शहद निकला है लेकिन उसको टेस्ट तो जरूर से करेंगे। देखे कैसा आ गया ये। गाइस यहाँ पर जो हनी है वो आ चुका है, लेकिन अभी हमने इस बॉक्स को स्टार्ट ही, मतलब इस मशीन को स्टार्ट ही किया था, उसकी वजह से बहुत सारा कचरा भी इसके अंदर आ गया है। और गाइस ये जो हनी है ये इन्हीं का निकाला हुआ है। बस भाई साहब बस बस बस, ये है 100% प्योर नेचुरल हनी। ये है गाइस देखो, और इसका कलर जो है वो वाइटिश है। ये इन मक्खियाँ जो है, ये वाली मक्खियाँ ऐसा शहद पैदा करती हैं या फिर ये किसी और चीज़ पे इसका कलर डिपेंड करता है? कलर सरसों का अलग होता है। अच्छा, डेरी पे अलग होता है। अच्छा मतलब किस किस फूल से जो मधुमक्खियां हैं वो शहद लेके आ रही हैं उस हिसाब से कलर होता है। करो टेस्ट, पकड़ो भाई साहब, एक नंबर प्योर हनी। मेरे पूरे पूरे गले में जो है जो तरावटी आ गई, हाँ पूरा गला एकदम एक्टिव हो गया भाई। तो भाई शहद की टेस्टिंग हो गई, मतलब टेस्टिंग हो गई। मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारा मज़ा आया होगा इस वीडियो के अंदर। एक नई चीज़ जो है वो आज आपको देखने को मिली होगी, ये छोटे छोटे जानवर गाइस किस तरीके से रहते हैं, कैसे ये अपना पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा करके रखते हैं, यानी कि साम्राज्य खड़ा करके रखते हैं, किस तरीके सारी व्यवस्थाएँ चलती है। हमने आपको सारी चीज़ें दिखाई, आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमने दिखाया, और साथ में गाइस कटवा के भी दिखाया। दिखाया तो क्या गाइस, वो तो काट लिया इन्होंने। तो अब हम जो है यहाँ पर थैंक यू कहना चाहेंगे चंदन जी को और बाकी दोनों भाइयों को भी, और साथ ही साथ में इन बहुत सारी मधुमक्खियों को भी कि इन्होंने हमको जो है अपना शहद खिलाया। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में बहुत मज़ेदार चीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और हो सकता भी मेरे हाथ सूजे गाइस। अभी हमें पता चला है कि इन भाई के अंदर, चंदू भाई के अंदर एक हिडन टैलेंट और है, और हमें तो कोई अंदाज़ा ही नहीं था। और ये जो भाई है ये मिमिक्री करते हैं भाई कई बॉलीवुड स्टार्स की। भाई प्लीज करके दिखाएंगे एक बार। आज तुम लोगों को क्लासरूम में नहीं, ओ भाई मिथुन बाथरूम में पढ़ाऊंगा। कि आज तुम लोगों को क्लासरूम में नहीं बाथरूम में पढ़ाऊंगा, कि जब जब बाथरूम जाओगी मेरी याद जरूर आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अक्षय कुमार करेंगे। आसमानों से कहो अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद और ऊंचा कर ले। आसमानों से कहो अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद और ऊंचा कर ले। हुस्न वालों से कहो अगर ईश देखना हो तो हमसे आकर मिले। वाह 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 वाह। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई के लिए तालियां हो जाए सारे लोग एक बार।